जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हॉप। सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो कल रात एमवी बंटाई ने एक नया गाना ड्रॉप किया था जिसका नाम है किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप। सो इसी वाले गाने पे यो यो हनी सिंह का भी रिएक्शन आ चुका है। जी हाँ, रात के 2 बजे हनी पाजी इसी गाने को शेयर करते हुए कुछ ऐसी स्टोरी लगाते हैं जिसमें वो लिखते हैं तूफान एमवी बंटाई। साथ में वो इस गाने पे कुछ ऐसा कमेंट भी करते हैं और लिखते हैं साडा इंडिया द एमिनम, नो वन इज लाइक यू ब्रो, दे आर जस्ट योर प्यूब्स। अब जो लोग इधर प्यूब्स का मतलब नहीं समझे वो एक बार ये क्लिप देख लो। बस नाके पे रेल फाटे पे और एमसी स्टैंड तू मेरे छाटे पे। तो सिर्फ एक वर्ड का यूज करके हनी पाजी ने बहुत ही बड़ी बात बोली है और सभी नल्ले रैपर्स को पेल दिया है। और अभी तो रुको, यही नहीं एमवी बंटाई ने इस गाने में इशो बॉय बॉट्सा को भी बहुत ही गंदी तरह से पेल दिया है। छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। यू आफ्टर यू आई नो इट्स गोना बी ट्रू। मुझे ऐसा क्यों लगा ये यू यू करके कोई तो स्टेज पे हंस रहा था। बैड बॉय भी मेरे सामने बनते गुड बॉय बेटे। यू नाम लेने इनकी फटे, इस बार तेरी जान बची, आना नहीं दोबारा, चल। सो फुल सपोर्ट टू एमवी बंटाई क्योंकि बॉट्सा की औकात ही दूसरे को पोक करना है। और इसे ये जो गलत फहमी थी कि हनी सिंह की तरह सब इसे माफ कर देंगे वो एमवी बंटाई ने बॉट्सा के दिमाग से एकदम निकाल दिया है। वेल हनी 3.0 के बाद जिस कोलैब का मैं पर्सनली सबसे ज्यादा वेट कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ योयो एक्स एमवी बंटाई है। बाकी आप में से कितने लोग इस कोलैब का वेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा कल रात हनी पाजी एक और स्टोरी लगाते हैं जिसमें लिखा था इफ यू हैव टू एक्सप्लेन दैट यू वर नॉट लाइंग देन व्हाट्स द यूज। मतलब हनी पाजी कहना चाहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो ये चीज किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम अगर सच्चे हो तो वो काफी है। बात तो सही है। सो अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आई गए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।